नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तबरेज सिद्दीकी। सबसे पहले हेडलाइन। गोरखपुर महोत्सव को सकुशल संपन्न कराने के लिए आला अधिकारियों की बैठक, सौंपी गई जिम्मेदारियां। खिचड़ी मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों की हुई बैठक, डीएम ने कहा चाक चौबंद है सुरक्षा। जिलाधिकारी ने अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में चार प्रशासनिक अधिकारियों को दिया ब्लॉक प्रमुख का दायित्व। स्वामी विवेकानंद जयंती की पूर्व संध्या पर छात्राओं द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली, महापौर और विधायक समेत कई गणमान्य लोगों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके पद चिन्हों पर चलने की ली शपथ। माँ शाकंभरी प्रकाट्य दिवस पर आयोजित हुई विविध कार्यक्रम, माँ की भक्ति में झूमते नाचते नजर आए श्रद्धालु। भाजपा प्रबुद्ध प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने संगठित अपराध एवं आतंकवाद नियंत्रण में यूपी कोका पर रखे विचार। कुछ वक्ताओं ने इस कानून पर जताई सहमति तो कुछ ने कहा इसका हो सकता है दुरुपयोग। गोरखपुर जिला आपदा प्रबंध योजना की समीक्षा बैठक हुई संपन्न, आपदा से संबंधित विभिन्न योजनाओं पर हुआ मंथन। कड़ाके की ठंड को देखते हुए महापौर सीताराम जायसवाल और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने गरीबों के बीच बांटा कंबल। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिए 21 और 28 जनवरी को आयोजित होगा विशेष अभियान। और गोरखपुर महोत्सव को लेकर इलेक्ट्रिक लाइटों से सज रहे हैं शहर के प्रमुख चौराहे। अब समाचार विस्तार से। गोरखपुर महोत्सव आगामी 11 जनवरी से आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव की भव्यता को देखते ही मंगलवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से कमिश्नर अनिल कुमार, जिलाधिकारी राजीव रतौला, DIG नीलाब्जा चौधरी, CDO अनुज सिंह सहित जिला प्रशासन से जुड़े तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए कमिश्नर और DM ने उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि गोरखपुर महोत्सव को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराया जा सके। रेखा देती है। आप सभी अवगत है कि परसों यानी 11 तारीख को बहुत मंथन के बाद और बहुत विचार विमर्श के बाद एक इसका स्वरूप निकल के आया है। इसमें हम लोगों ने सभी प्रोग्राम्स में एक एक हर कार्यक्रम के कोई ना कोई मुख्य अतिथि भी हैं और सभी कार्यक्रमों के लिए एक इवेंट कोऑर्डिनेटर या वेलकम टीम भी है। तो ये जो नोडल ऑफिसर हैं और जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, ये आपस में पूरी तरह से समन्वय और सामंजस्य रख के कार्यक्रमों को बहुत सुव्यवस्थित रूप से और बहुत अच्छी तरीके से इनको संपन्न कराएंगे। ये वाद विवाद प्रतियोगिता है डिबेट इंडिया इंग्लिश में, जो 11 तारीख को प्रातः 10 बजे से लेकर और 5:30 बजे तक चलने वाली है। जिसके और इसके जो इवेंट कोऑर्डिनेटर हैं वो श्री धीरज मोहन दास। धीरज मोहन दास जी हैं आपका जो टोटल मैंडेट है वो ये है, आपका और सभी प्रोग्राम के नोडल ऑफिसर्स का, कि आप ये प्रोग्राम ना केवल सुव्यवस्थित हों, बहुत ही गरिमापूर्वक और बिना किसी हैसल के वो संपन्न हो, तो इसके बारे में आपको बहुत करनी है। नेक्स्ट प्रोग्राम है वो भी सुबह 10 बजे आरंभ होगा, 1 बजे समाप्त होगा, वो क्विज कॉम्पिटिशन है। ये 2 दिन चलेगा, दीक्षा भवन में और संवाद भवन में, और उसके नोडल ऑफिसर हैं AD बेसिक, असिस्टेंट डायरेक्टर बेसिक शिक्षा। इसका शुभारंभ जो है हमारे खेल मंत्री जी आए थे, ठीक है ना, उनसे बात हो चुकी है, उनका कार्यक्रम आया नहीं है, ये चेक कर लीजिए। शुभारंभ जो है वहीं पे होगा स्पोर्ट्स स्टेडियम, और जो ये जो
स्पोर्ट्स कॉलेज में जो बच्चे हैं वहाँ पे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करेंगे। ये मिनी बच्चों को मालूम है, इनका मिनट टू मिनट प्रोग्राम भी आ गया है और ये सभी अधिकारियों ने जिनकी मोमेंटोस की रिक्वायरमेंट है और सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है वो पहले से ले लीजिए। काफ़ी लोगों ने अपने मोमेंटोस की रिक्वायरमेंट दे दी है, काफ़ी लोगों ने अपने मोमेंटोस की रिक्वायरमेंट दी है और स्पोर्ट्स ऑफिसर जो है वो मेन कोऑर्डिनेटर है और डिग्री बच्चे साथ में कोऑर्डिनेटर आपके और उसमें जो वो बनने थे ट्रैक सूट जो बनने थे वो हो गया है वो आ जाएंगे और आपके मोमेंटो वाली जो बात है वो क्लियर हो गया है ठीक है। और सर्टिफिकेट नहीं किया और आप ही का जो कार्यक्रम है 11 तारीख इसके बाद 12 तारीख तक तो समाप्त होगा। उसके लिए अभी हम लोगों ने कोई चीफ गेस्ट तय नहीं किए हैं, जानबूझ के नहीं तय किए। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित होने वाले खिचड़ी मेले की भव्यता और विशालता को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर एक बैठक का आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में एसपी सिटी विनय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। सुरक्षा बैठक में भारी संख्या में पुलिस अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में खिचड़ी मेले को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिए प्रोजेक्टों के माध्यम से उपस्थित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया। सुरक्षा व्यवस्था के ही मुद्दे पर गोरखपुर न्यूज से एक विशेष बातचीत के दौरान जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने बताया हमें उम्मीद है कि आपको पहले के मुकाबले काफी से सीधे पता नहीं चलता कि हाँ कह रहे हैं कि ना कह रहे हैं। की खिचड़ी मेला भी तो उसके मद्देनजर सुरक्षा की कितने इंतजाम किए गए? देखिए जो खिचड़ी उत्सव यहाँ पर होता है वो मकर संक्रांति पर होता है और इस बार ये अवगत कराया गया है कि ये मकर संक्रांति का पर्व 2 दिन होगा, 14 और 15 को होगा। तो 13 की रात्रि से ही हम लोग बिल्कुल मुस्तैद और सजग रहेंगे। इसकी भी तैयारी हम लोग पिछले 1 महीने से कर रहे हैं और बहुत ही हमने व्यापक भी और बहुत ही सघन दोनों प्रकार से व्यवस्थाएं की हैं। हमारी PAC, हमारी पुलिस, हमारे होमगार्ड्स, हमारे PRD, NCC, हमारे सिविल डिफेंस, हमारे मैजिस्ट्रेट्स, सभी को ड्यूटीज़ दे दी गई हैं, सभी को ड्यूटी समझा दी गई हैं। इसके अलावा जो हमें मेले के क्षेत्र में तैयारी करनी थी वो GDA, नगर निगम, बिजली विभाग, इन सब के द्वारा, टेलीफोन विभाग, वन विभाग, जिला आपूर्ति विभाग, जल निगम विभाग, इन सब ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और हमें ये विश्वास है कि इस बार जो बड़ी संख्या में लोग हर साल यहाँ आते हैं और भी बड़ी संख्या में आएंगे और उनकी सुविधाओं की हमने पूरी व्यवस्थाएं करा दी हैं और हमें ये आशा है कि हम लोग इसको शांतिपूर्वक, सुव्यवस्थित और बाधा रहित संपन्न करा लेंगे। ब्लॉक प्रमुख क्षेत्र पंचायत पाली कैंपियरगंज पिपराइच उरवा गोरखपुर के विरुद्ध अविश्वास पारित हो जाने के फलस्वरूप इस क्षेत्र पंचायत में ब्लॉक प्रमुख का पद रिक्त हो गया है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 9 का में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर ने उप जिला मजिस्ट्रेट सजनवा गोरखपुर को क्षेत्र पंचायत पाली का ब्लॉक प्रमुख का दायित्व, क्षेत्र पंचायत पिपराइच के लिए जिला विकास अधिकारी को पिपराइच का ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत उरवा के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट गोला को उरवा का ब्लॉक प्रमुख तथा क्षेत्र पंचायत कैंपियरगंज के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट कैंपियरगंज को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कैंपियरगंज का कार्यवाहक प्रमुख नामित किया गया है। साथ ही उन्हें निर्देशित किया गया है कि अग्रिम व्यवस्था तक क्षेत्र पंचायत के ब्लॉक प्रमुख पद की समस्त शक्तियों का प्रयोग और कृतियों को संपादन करें। जिलाधिकारी का ये आदेश आगामी 6 माह अथवा उप निर्वाचन जो भी पूर्ववर्ती हो तक के लिए प्रभावी होगा। चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विवेकानंद की 155वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविकाओं
एनसीसी कैडेट्स और बीएड तथा एमएड द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। रैली कॉलेज परिसर से निकलकर बख्शीपुर टाउन हॉल कचहरी चौराहा होते हुए छात्र संघ चौराहा स्थित विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद समाप्त हो गई। रैली के दौरान छात्राओं ने स्लोगन और बैनर के माध्यम से लोगों को स्वामी विवेकानंद के विचारों के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर मौजूद महापौर सीताराम जायसवाल, नगर विधायक डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल, प्रोफेसर अजय कुमार शुक्ल, पुष्पदंत जैन, प्रोफेसर शरद मिश्र ने भी स्वामी विवेकानंद के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए गए मार्ग पर चलने की शपथ ली। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महापौर ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी के व्यक्तित्व में सर्वधर्म संभाव एवं वासुदेव कुटुंबकम की भावना थी। वो गुरु शिष्य परंपरा के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण थे। माँ शाकंभरी परिवार द्वारा माँ शाकंभरी प्रकाट्य दिवस मंगलवार को सिविल लाइन स्थित एक अतिथि भवन में मनाया गया। इस अवसर पर शाकंभरी परिवार से जुड़े लोगों ने मंगलवार की सुबह गोलघर स्थित काली मंदिर से माँ शाकंभरी की निशान यात्रा निकाली। ये यात्रा गोलघर काली मंदिर से निकलकर गणेश चौराहा, चेतना तिराहा, इंद्राबाल विहार, हरिओम चौराहा होते हुए सिविल लाइन स्थित अतिथि भवन पहुंचा, जहां परिवार के सदस्यों ने माँ शाकंभरी की माँ आरती की। यात्रा के दौरान श्रद्धालु हाथ में गेरुआ झंडा लेकर भक्ति गीतों पर झूमते नाचते नजर आए। इस अवसर पर फूलों का अलौकिक श्रृंगार, मयूर नृत्य, भजन कीर्तन एवं मंगल पाठ का भी आयोजन किया गया, जिसमें परिवार से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हम भैया वाले हैं।
भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के तत्वावधान में मंगलवार को कमिश्नरी कचहरी स्थित अधिवक्ता सभागार में संगठित अपराध एवं आतंकवाद नियंत्रण में यूपी कोका की उपयोगिता विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष उपेंद्र शुक्ला, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, प्रोफेसर प्रकाश मणि त्रिपाठी, निकेत नारायण सेवक पांडे सहित कई अन्य मौजूद रहे। गोष्ठी के दौरान वक्ताओं ने संबंधित विषय पर अपने विचार रखे। इस मौके पर कुछ वक्ताओं ने यूपी कोका पर अपनी सहमति जताई तो कुछ वक्ताओं ने कहा कि क्या गारंटी है कि इस कानून का कुछ लोग दुरुपयोग नहीं करेंगे। 2006 में अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया कि एक ऐसा कानून आना चाहिए जो संगठित अपराधों पर नियंत्रण कर सके। उस परिप्रेक्ष्य में इसका क्रियान्वयन अब जाकर के 2017 में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया और इस कानून के आने से स्थिति एकदम साफ हो गई कि जो अपराधी हैं, जो आतंकवादी हैं, जो आतंक फैलाते हैं, भय फैलाते हैं समाज में, उन लोगों के लिए एक ऐसा कानून आया जिस कानून के तहत अब उनकी खैर नहीं है। हमारे यहाँ धारा 161 में जो प्रोविजन दिया गया है सीआरपीसी में, उसमें होता यह है कि आईओ अपना बयान ले लेता है और उस बयान को यहाँ आकर के लोग पलट जाते हैं उससे, लेकिन इस यूपी कोका कानून में जो बयान आईओ लेगा, जो दर्ज होगा वही अंतिम बयान माना जाएगा। यह जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से अपराधियों पर नजर कसना शुरू हो गया है और इस परिप्रेक्ष्य में यह कानून आकर के और अच्छा कार्य करेगा। उठता है कि जो लिखने वाला पुलिस का अधिकारी या कर्मचारी होगा उसके चारित्रिक जो चारित्रिक पैमाने होंगे वो क्या होने चाहिए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले कुछ वर्षों के पूर्व जो छोटे बड़े पुलिसकर्मी थे उनकी भर्ती में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ, पैसे का लेन देन हुआ कि वह प्रारंभिक रूप से भ्रष्टाचार का बीज ही पूरे विभाग में पड़ गया और एक लगता है कि 90% कर्मचारी इसके ऊपर से नीचे तक इस भ्रष्टाचार से अछूते रहे बचे। ऐसी स्थिति में अगर जो बयान लिखते हैं किसी का, भले ही किसी दबाव से किसी वीडियो रिकॉर्डिंग को भी बना करके प्रस्तुत करते हैं, तो उस समय जो उनके द्वारा की गई जो गलतियां हैं, जबरदस्ती है, उसके ऊपर सत्यता की परख कैसे होगी, यह एक थोड़ा सा संदेह का विषय बनता है या थोड़ा सा आपत्ति या सुधार का विषय बनता है। आपत्ति या संदेह न कहा जाए, सुधार का विषय बनता है। आपको याद होगा जिस समय संसद पर हमला हुआ था और उस समय के सपा सांसद राज्यसभा अमर सिंह जी की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई थी और उस समय उन्होंने चाहे उसको कहिए हड़बड़ाहट में, भय में इस तरह का बयान दिया कि इस पर तो कोटा से भी कोई सख्त कानून अगर हो सके तो तत्काल लागू किया जाना चाहिए। लेकिन हाय रे इस देश की राजनीतिक सोच और वोट बैंकों को बनाए रखने की जो एक स्पृहा और लालसा, जब वह कानून या कठोर कानून लेकर के सरकार आई तो दलीय प्रतिबद्धताओं के नाते से, वोट के नाते से सदन के अंदर उन्हीं अमर सिंह जी का सुर बदल गया। मेरा मानना है, हम सब कहते आए हैं, देखते आए हैं, आज समाज भ्रष्टाचार और अपराध से पीड़ित है। गोरखपुर जिला आपदा प्रबंध योजना की समीक्षा बैठक मंगलवार को टाउन हॉल स्थित एक होटल में किया गया। इस अवसर पर बिहार राज्य के आपदा प्रबंधन के मुखिया अनिल कुमार सिन्हा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विधान
जायसवाल, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी, शीला मिश्र, यूनिसेफ अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान विभिन्न जनपदों से आए आपदा प्रबंध के लोगों को आपदा के समय बचाव पर जागरूक किया गया। इस अवसर पर बिहार राज्य के आपदा प्रबंध के मुखिया अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि भारत की प्राकृतिक संरचना में पर्वतों, नदियों, समुद्रों आदि का बहुत महत्व है। इनसे असंख्य लोगों की आजीविका चलती है, लेकिन जब प्रकृति में असंतुलन की स्थिति होती है तब आपदाएं आती हैं। इनके आने से प्रगति बाधित होती है। इस अवसर पर उन्होंने कहा, उतना ही ज्यादा समाज के लिए अच्छा होगा, उसकी जागरूकता बढ़ेगी इत्यादि। अब ये जो एक्ट है, इसकी दो तीन चीजें क्या इम्पोर्टेंट है वो बता दो। पहला तो ये है, उसको एक्ट को पहली बात जो हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, वैसे नेट पर तो अवेलेबल है, लेकिन वो छोटा सा एक्ट है, उसकी एक कॉपी लेकर के और उसको एक नजर देख लें, उसका प्रीएम्बल देख लीजिए, क्यों एक्ट बना है वो इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। और उसमें डेफिनेशन है डिजास्टर का, सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशन जैसे हर एक्ट में होता है, तो उसमें डिजास्टर का डेफिनेशन दिया हुआ है और वो पहली बार हम लोग के देश में हुआ है। इसके पहले ऑफिशियली देयर वाज नो डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर। कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं कोई ये व्यवस्था नहीं कि डिजास्टर क्या चीज है, उससे कौन डील करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में तो सारी व्यवस्था है, सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, कि ये सब्जेक्ट जो है अब डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, करेंसी है, ऐसी बहुत सी चीजें जो कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही उस पर लॉ बना सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जिसमें स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कर सकते हैं, शिक्षा है, हेल्थ है इत्यादि। तो बहुत सी चीजें जो कि बिल्कुल लोकल है तो वो स्टेट लिस्ट में है, वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही कर सकते हैं। लेकिन डिजास्टर के बारे में अनफॉर्चुनेटली कहीं पे कोई मेंशन अब भी नहीं है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडमेंट की कमेटी बनी थी, रिव्यू की कमेटी, जस्टिस चलैया, उनके सामने भी डाला था, बट उनका कोई विजडम रहा होगा, एनी ग्रेव अकरेंस, एनी कैटास्ट्रोफी एटसेट्रा एटसेट्रा व्हिच हैपेंस ड्यू टू नेचुरल कॉजेस, नेचुरल हैजर्ड्स, मैन मेड कॉजेस, by accident, by negligence, तो क्या बचा? Natural में आपने बाढ़, सुखाड़, earthquake ये वो सब कर दिया। Man-made में आपको accident, fire ये वो सब चीजें, ऐसे बहुत सी चीजें, bomb blast, cloud management ये सारी चीज आ जाएंगी। Accident में बहुत सी चीज आ जाएंगी, वो generic है। Negligence में चीजें आ जाएंगी, तो बचता क्या है? तो इतना broad definition है कि practically कोई भी चीज नहीं बचती की जरूरत है। और ये सब कोई बंधे हुए हैं, इस चीज को हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा कि एजुकेशन वाले, हेल्थ वाले ने समझे भाई हमारा तो चलो इतना है, वो किस रूप में आपको बांधेगा ये आपको इमीडिएटली पता नहीं चलेगा। जैसे तो एक तो चीज ये है कि ये डेफिनेशन आप अगर उसको सोचते हैं कि भाई गोरखपुर में तो चलिए हमने फ्लड के लिए बना लिया BDMP में वो काफी है, तो नहीं। कल अगर किसी स्कूल के सामने में, कल अगर किसी क्राउड मैनेजमेंट में 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है तो उनके रिश्तेदार तो आपसे पूछ सकते हैं तो आपने क्या इंतजाम किया था, प्लान बताइए। शहर में पड़ रहे कड़ाके की ठंड से असहाय और गरीबों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से महापौर सीताराम जायसवाल और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने मंगलवार को नगर निगम परिसर में लगभग 500 गरीबों को कंबल बांटा। इस मौके पर महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा कि बढ़ते ठंड को देखते हुए नगर निगम के सौजन्य से शहर में गरीबों को ये कंबल बांटा जा रहा है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा, ठंड को देखते हुए नगर निगम ने शहरवासियों को कंबल वितरण करने का कार्यक्रम आज रखा है। इसमें उपस्थित हैं हमारे नगर आयुक्त साहब, हमारे राहुल श्रीवास्तव जी, हमारे पार्षदगण और यहाँ के पात्र चुनी गई महिलाएं और पुरुष। हम लोग 500 कंबल बांट करके यहाँ के आम गरीबों को
इस भीषण ठंडी में राहत देने का काम कर रहे हैं। यह एक पुनीत काम है और नगर निगम के सौजन्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है यहाँ के नागरिकों को राहत देने के लिए। कल हम लोगों ने जन सहयोग से 1500 कंबल बांटे थे, विभिन्न वार्डों के पार्षदों को 20-20 कंबल दिए गए थे और जो लोग यहाँ उपस्थित थे उन्हें भी कंबल दिया गया था जो गरीब जनता थी। उसी कार्यक्रम के तहत ये भी कार्यक्रम रखा गया है और हम लोग अभी सभी लोगों को कंबल यहाँ जो उपस्थित हैं उनको देंगे। 500 कंबल की नगर निगम ने व्यवस्था की है। नगर निगम गोरखपुर के द्वारा आज अपने सदन के सभी पार्षदों हमारे माननीय महापौर जी की उपस्थिति में आज नगर के सभी जरूरतमंद लोगों को, सभी निराश्रित लोगों को ठंड से बचाव के लिए कंबल का वितरण किया जा रहा है। कल 1500 कंबलों का वितरण किया गया था सभी पार्षदों के माध्यम से 20-20 कंबल दे करके और आज भी सभी लाभार्थियों को माध्यम से सीधे जो है उन्हें कंबल दे करके ठंड से बचाव के लिए कंबल का वितरण किया जा रहा है। साथ ही नगर निगम द्वारा 10 रैन बसेराओं का भी संचालन किया जा रहा है जिसमें कोई भी निराश्रित आ करके निःशुल्क रह सकता है और ठंड से बचाव के लिए वहाँ सुविधा का लाभ ले सकता है। पूरे नगर क्षेत्र में हम 215 से ज़्यादा अलाव जला रहे हैं ताकि किसी भी नागरिक को शीतलहरी से अथवा मौसम के प्रतिकूल प्रभाव का सामना न करना पड़े। अपनी जगह लोग बैठे रहेंगे। हाँ बैठ जाए, बैठिए अपनी जगह, बैठिए अपनी जगह, लोग बैठे इसको बुला के उठा दीजिए। अरे यार इधर आए, इधर अपनी जगह पे बैठ जाइए सब लोग। आप बैठे ना, यार सबको मिलेगा। बैठा लो ऐसे, दबे तो देखो अपने सभी पार्सल लोग उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने एक आदेश जारी करके बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता 1 जनवरी 2018 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2018 अंतर्गत दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिए विशेष अभियान 21 जनवरी एवं 28 जनवरी 2018 को जनपद के समस्त मतदेय स्थलों पर आयोजित किया जाएगा। इस दिन बूथ लेवल अधिकारी पर्याप्त मात्रा में फॉर्म 6, 7, 8 एवं 8 का लेकर उपस्थित रहेंगे। युवा निर्वाचकों एवं छूटे हुए पात्र मतदाताओं से फॉर्म भरवा कर प्राप्त करेंगे। इनके कार्यों का निरीक्षण तैनात सुपरवाइजर सेक्टर ऑफिसर्स करेंगे तथा जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिलाधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भ्रमण कर कार्यक्रम की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे। समस्या युवा निर्वाचकों एवं छूटे हुए मतदाताओं से अपील की जाती है कि विधानसभा निर्वाचक नामावली की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करने हेतु अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर फॉर्म 6 भरकर बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं। महानगर में गोरखपुर महोत्सव 11 जनवरी से आरंभ हो रहा है जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के मैदान में आयोजित होने वाले इस महोत्सव को सफल बनाने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला शिद्दत के साथ लगा हुआ है। इस आयोजन को लेकर शहर के विभिन्न प्रमुख चौराहों को भी इलेक्ट्रिक लाइटों से सजाने का काम चल रहा है। इसी के तहत टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा स्थल को भी प्रशासन की तरफ से
इलेक्ट्रिक लाइटों से सजाया गया। यह स्थल इलेक्ट्रिक लाइटों से सजने के बाद इतना अद्भुत दिख रहा है कि यहाँ से गुजरने वालों की नजर ठहर जाती है। बस रहे हैं नाथ योगी, रम रहे हैं नाथ योगी, बस रहे हैं नाथ योगी। अब जाते जाते एक नजर हेडलाइन पर। गोरखपुर महोत्सव को सकुशल संपन्न कराने के लिए आला अधिकारियों की बैठक, सौंपी गई जिम्मेदारियां। खिचड़ी मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों की हुई बैठक, डीएम ने कहा चाक चौबंद है सुरक्षा। जिलाधिकारी ने अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में चार प्रशासनिक अधिकारियों को दिया ब्लॉक प्रमुख का दायित्व। स्वामी विवेकानंद जयंती की पूर्व संध्या पर छात्राओं द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली, महापौर और विधायक समेत कई गणमान्य लोगों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके पद चिन्हों पर चलने की ली शपथ। माँ शाकंभरी प्रकाट्य दिवस पर आयोजित हुई विविध कार्यक्रम, माँ की भक्ति में झूमते नाचते नजर आए श्रद्धालु। भाजपा प्रभुत्व प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने संगठित अपराध एवं आतंकवाद नियंत्रण में यूपी कोका पर रखे विचार। कुछ वक्ताओं ने इस कानून पर जताई सहमति तो कुछ ने कहा इसका हो सकता है दुरुपयोग। गोरखपुर जिला आपदा प्रबंध योजना की समीक्षा बैठक हुई संपन्न, आपदा से संबंधित विभिन्न योजनाओं पर हुआ मंथन। कड़ाके की ठंड को देखते हुए महापौर सीताराम जायसवाल और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने गरीबों के बीच बांटा कंबल। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिए 21 और 28 जनवरी को आयोजित होगा विशेष अभियान। और गोरखपुर महोत्सव को लेकर इलेक्ट्रिक लाइटों से सज रहे हैं शहर के प्रमुख चौराहे। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।